हेलो फ्रेंड्स, आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि पेप्सिको एक कंपनी है जिसने गुजरात के 9 किसानों के ऊपर केस किया है। उसके बारे में बहुत सारे लीगल मैटर्स निकल के आ रहे हैं। एक शब्द होता है UPOV, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूपो बोलते हैं। ये एक इंटरनेशनल लेजिस्लेशन है, इसका जिक्र अब आ गया है इसके बीच में। तो आज हम बात करेंगे कि जो भारत का एक्ट है PPVFR, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001, और जो ये यूपो है, ये एक इंटरनेशनल कानून है। अब इन दोनों के बीच में क्या सामंजस्य हमारे देश में बनता दिखाई दे रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपने इस कंट्रोवर्सी को तो सुना ही होगा कि अमेरिका की एक बड़ी फर्म है पेप्सिको, उस जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, उसका जो भारत में जो उसकी सब्सिडरी कंपनी है पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, उसने गुजरात के 9 किसानों के ऊपर में केस डाला है, और ये कह के केस डाला है कि जो उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो इन्फ्रिंज हुआ है, और जो प्लांट ब्रीडर्स के जो राइट हैं वो उससे इन्फ्रिंज हुए हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं, इसका जो लॉजिकल, इसका जो लीगल जो कंसेप्ट है। हमारे भारत में जो एक अथॉरिटी बनी हुई है जो इस तरह के मसलों को डील करती है, जिसको भी हम बात कर रहे थे, PPVFRA बोलते हैं इसको, उसकी एक बैठक हुई थी 13 नवंबर 2018 को। उसके अंदर ये 30वीं मीटिंग थी उनकी, तो इसमें एक एजेंडा आइटम नंबर 17 था। उस जो एजेंडा आइटम नंबर 17 है, उसको जो अभी रिसेंटली उसके मिनट्स जो रिलीज हुए हैं, उसके अंदर ये बात सामने निकल के आई है। इसके अंदर जो मिनट्स में जो लिखा गया है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। मेंबर्स वर इन्फॉर्म्ड दैट द पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन हैज़ टू बी मेड ऑन पार विद द पीरियड ऑफ प्रोटेक्शन अंडर यूपो इन अलाइनमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ ऑन द सब्जेक्ट। अब सवाल साथियों ये आता है कि जो हमारे देश का कानून बना हुआ है उसको अलाइन करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। जो देश के अंदर एक्टिविस्ट हैं या जो वैज्ञानिक हैं, जो किसान हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो इस विषय में चिंता जाहिर कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब हमारे देश का कानून बना हुआ है और स्पष्ट रूप से भारत के किसानों को प्रोटेक्ट करता है कि वो यदि किसी भी बीज की, किसी भी फसल की खेती करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जो ये इंटरनेशनल लॉ है, ये भारत इसका मेंबर भी नहीं है और भारत पर ये लागू भी नहीं है, फिर क्यों हमारी जो हमारी अथॉरिटी है वो इसको, हमारे इस कानून को इंटरनेशनल लॉ के साथ में को अलाइन करने का प्रयास कर रही है। इसके बारे में लोगों की चिंताएं निकल के सामने आई है। एक चीज़ और मैं इसमें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो पॉलिसी ऑप्शन है भारत में किसानों को, इस जो एक्ट सन 2001 में बनाया गया था, इसके तहत बहुत सारे अधिकार दिए गए थे, जबकि जो यूपो कंट्रीज हैं, भारत उस यूपो जो ग्रुप है उसका मेंबर नहीं है, वहाँ पे सिर्फ कुछ छूट मिली हुई है किसानों को, अधिकार नहीं मिले हुए। इसलिए जो चिंता है भारत के अंदर एक व्याप्त है इस बारे में लेके, कि हम अपने कानूनों को कमज़ोर ना करें और इंटरनेशनल जो कानून हैं, जितना हमारे किसानों के पास अधिक से अधिक अधिकार होंगे, उतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे जो खेती है वो कॉरपोरेशनों के हाथ से बची रहेगी। जो हमारा कानून है भारत का, जो इस प्लांट वैराइटीज़ और फार्मर राइट से डील करता है, उसके अंदर अगर हम देखें तो जो प्रोटेक्शन का जो पीरियड है वो क्रॉप्स के लिए 15 साल है, पेड़ों और बेलों के लिए 18 साल है, लेकिन अभी डिमांड की जा रही है कि इसको 20 से 25 साल किया जाए, ताकि जो फार्मर्स हैं वो अपने पूरे अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। और जो अथॉरिटी है जो इस सबको डील कर रही है, जिसको PPVFRA बोलते हैं, ये लीगली बाउंड है किसानों के और ब्रीडर्स के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि देश में कोई इतनी बड़ी घटना घट जाए, कोई कंपनी किसानों पर केस कर दे और अथॉरिटी इसमें इंटरवीन ना करे। इनफैक्ट अथॉरिटी को प्रोएक्टिव होके अवेयरनेस फैलानी चाहिए और इस तरह के जो मसले हैं उसके अंदर आके लोगों की जानकारी बढ़े, इस विषय के ऊपर में समय समय पर कार्यक्रमों के द्वारा, मंचों के द्वारा अपनी बात को रखना चाहिए। जो चिंता किसानों की है और जो वर्कर्स की है और जो वैज्ञानिकों की है, वो ये है
कि हमारी देश में जो कानून बने हुए हैं वो कानून बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत मजबूत बने हुए हैं, उनको किसी प्रकार से भी जो UPOV है, उपो है, इंटरनेशनल जो कानून है, भारत जिसका सदस्य नहीं है उसके साथ अलाइन कराने के प्रयास न किए जाएं, क्योंकि उन देशों के अंदर अलग तरह के हालात हैं। वहाँ बहुत कम लोग खेती बाड़ी के काम धंधे में इन्वॉल्व हैं, सर्विस सेक्टर में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे खेती बाड़ी लोगों की एक आजीविका का साधन ही नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है। बहुत ज़्यादा लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, उनके अधिकारों को बचा के रखना जो हमारी ये अथॉरिटी है इसका मुख्य फंक्शन है, और ये जो अथॉरिटी है ये लीगली बाउंड है इस काम को करने के लिए। एक बैलेंस जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग एक्ट, इस तरह के कानून हमारे बने हुए हैं जिसमें सभी के उसका ध्यान रखा जाता है। अब कोई किसान अपने खेत पे कोई फसल लगा रहा है और उसको वो मंडी में आके जाके बेच रहा है या अपने आसपास कहीं बेच रहा है, तो मल्टीनेशनल कंपनी भी यदि वो बीज लगा रही है तो कोई ऐसा अधिकार भारत का कानून नहीं देता कि कोई कंपनी किसी किसान को ये कह के रोक देगी या उस पर कोई मुकदमा डाल देगी या उसके ऊपर इतना मुआवजा उस किसान से मांगेगी, करोड़ों रुपया मांगेगी, कि जो किसान दे ही ना सके। और खेती जो हमारे यहाँ पे मात्र आजीविका का साधन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है हमारे देश के अंदर। तो एक जो चिंता एक जो अभी थोड़ी सी उठी है, एक डिस्कशन भी उठा है, और एक खास बात और भी है, जब ये पूरा मसला उठा किसानों का कि किसानों पे केस हो गया, तो हमारे देश की जो अथॉरिटीज थी जो इस विषय को डील करती हैं उनकी तरफ से कोई खास पहल, कोई उनका इंटरफेरेंस वो नहीं दिखाई दिया, सरकार को ही आके सामने उसके बीच में बात रखनी पड़ी। हालांकि अब अच्छी खबर ये है कि जो कंपनी है उसने वो केस किसानों से वापस ले लिया है, लेकिन एक प्रासंगिकता उठ के आ गई है कि क्या हमारे राइट्स हैं, क्या कानून हैं, संसद ने जो कानून पास किया है उसमें भारत के किसानों के क्या अधिकार हैं, कंपनियों के पास क्या अधिकार हैं। तो साथियों, इस टाइप की जो भी जानकारी हमें मिलेगी उसके बारे में हम आपको समय समय पर अवगत कराएंगे, और हमारी जो ये नॉलेज सीरीज है इसका मकसद यही है कि देश के अंदर सही विमर्श शुरू हो, सही बात लोगों को पता लगे, लोग अपनी बातचीत करें, और ताकि इस देश के अंदर असमंजस की स्थिति पैदा ना हो। धन्यवाद।